125 members cast their votes for ayes. For noes, consequently the bill is passed by the assembly by not less than 2/3 of the total membership of the assembly. सेनेट के बाद कौमी असेंबली से भी 26वीं आईनी तरमीम दो तिहाई अक्सरियत से मंजूर। 225 अराकीन ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, मुखालिफत ने 12 वोट आया। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असेंबली से वॉकआउट। ज़राए के मुताबिक कौमी असेंबली में 6 आज़ाद अरकान ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिए, जिनमें शाह महमूद कुरैशी के भांजे ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक जेब, औरंगजेब खिची और काफ लीग के मुनहरिफ चौधरी इलियास भी शामिल थे। इससे पहले सेनेट तरमीम के हक में 65 वोट आए, मुखालिफत में 4 वोट। तरमीम के हक में पीपल्स पार्टी के 23 सेनेटर्स, नून लीग के 19, JUI के 5 और BAP के 4 सेनेटर्स ने वोट दिया। 4 आज़ाद अरकान, ANP के 3 सेनेटर्स, MQM के 3 और BNP मैंगल के 2 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। नेशनल पार्टी और काफ लीग के 1-1 सेनेटर ने भी अपना वोट तरमीम के हक में दिया।65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate and consequently the bill stands passed. Leader of the House. वज़ीर आज़म ने 26वीं आइनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। ईवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज दिन में किसी वक्त होगी। पहले तरमीम की मंजूरी के लिए सुबह 6 बजे का वक्त बताया गया था। इंशाल्लाह इस तरमीम के ज़रिए इंशाल्लाह जो खतरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा मंडलाते खतरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। आज तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है, आज तारीखी दिन है। महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, वज़ीरे आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। ऐसी आईनी तरामीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। नवाज शरीफ के साथ बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का भी शुक्रिया अदा किया, कहा काश PTI भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। आईनी तरामीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ, कहा तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। आज जो तरामीम होनी इस आईन में होने जा रही है ये वो आईन है जिसके इब्तदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है, ये पाकिस्तानी आईन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। उन्होंने इतनी तनकीद मोदी पर नहीं की जितनी आज अदलिया पर की है। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की है, हम मजम्मत करते हैं। मेमो गेट कमीशन किसने बनाया था? ईवान इस वक्त तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीटें पूरी ना हों। मेरी नज़र में इस पार्लियामेंट के लिए, इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामेंट पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामेंट के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया,
वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। अदालत ऑपोजिशन काला सांप दांत जहर की बात कर रही है। काला सांप पार्लियामेंट के गिर्द घूम रहा है, वो इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असेंबली में खिताब, कहा काले सांप ने कई वज़ीरे आज़म फारिग कर दिए। एक वज़ीर आज़म को खत न लिखने पर फारिग कर दिया गया। एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया। आपने वज़ीर आज़म खुद निकाले मगर कौमी असेंबली के अरकान से ये इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। जब सेनेट बनाया गया तो किसी ने यह नहीं कहा कि आप पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट बना रहे हैं। मौलाना और पीटीआई के मुतालिबे पर आईनी अदालत का मुतालिबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी पार्लियामेंट में हमारे एमएनएस को उन्होंने जदकौब किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आईनी तरमीम आजाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है, चंद मफादात के लिए जमहूरियत को ज़िबा कर दिया गया। आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, सारे प्रोसेस में हमारे अराकीन को जदोकोब किया गया। जो लोग अगवा हुए आज नमूदार हो रहे हैं, मुबारक जेब, जहूर कुरैशी, औरंगजेब खिची, रियाज फतियाना, जैन कुरैशी, आदिल वाजई पर दबाव डाला गया। इंतजार पंचोता 11 दिन से गायब हैं। बानी पीटीआई के सेल में 5 दिन से बिजली नहीं है। इंशाल्लाह ये वोट आज वोट को इज्जत दे रहे हैं इसके साथ। ये वोट को इज्जत है अली अहमद, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। ये वोट को इज्जत है, वोट दो हमें, वोट दो क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं, उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। हम 17 लोगों से पावर लेकर मुंतखब लोगों को दे रहे हैं, यही वोट को इज्जत देना है। आईनी तरमीम वोट को इज्जत दो है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। जस्टिस काजी फायज ईसा इज्जत से घर जा रहे हैं। चंद साल से अदलिया में जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ एक ग्रुप की इजारादारी के लिए है। हमें अदलिया को आज़ाद करना था, लेकिन इतना नहीं कि वो हमारी ही आज़ादी छीन ले। फौज में आर्मी चीफ के लिए 5 बंदों का पैनल आता है तो अदलिया में क्यों नहीं। उमर अय्यूब को जवाब देते हुए कहा कि बातें करते हुए अपने माजी को याद रखना चाहिए। कासिम सूरी ने आधे घंटे में 54 बिल मंजूर किए थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली के इजलास से मुख्तसर खिताब किया, कहा जो दुख उन्हें अदलिया से मिले उस पर एक एक शेर सुनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने शेर सुनाया तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि शेर मौके की मुनासिबत से ज़रूर है लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहकहे लग गए। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं, यहां पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है
कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज्ब इख्तलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। सरबराज JUIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि झगड़ा शख्सियात के हवाले से है, एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज्ब इख्तलाफ घबरा रही है। मैंने कहा था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े पर यरगमाल न बनाया जाए, आईनी इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। अगर कोई कायदे कानून के तहत जलसे करता है तो उसे इजाज़त होनी चाहिए। वानी PTI पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करते हैं। PTI का एहतजाज उनका हक है। ये भी कहा कि आईनी तरमीम में बहुत बड़ा फैसला हो रहा है कि 2028 के बाद मुल्क से सूदी निज़ाम ख़त्म होगा, शरीयत कोर्ट एक साल में फैसले की पाबंद होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अतहद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। कहा ये उनके नहीं बानी PTI के वोट थे, कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तरमीम की मंजूरी के बाद मीडिया से बात में असद कैसर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की सैनेट में नुमाइंदगी के बगैर कानून साजी की कोई हैसियत नहीं है, कायद की हिदायत के मुताबिक एहतजाजी तहरीक को मजीद मौसर बनाएंगे, दीगर पार्टियों से भी बात करेंगे। कौमी असेंबली में आईनी तरमीम इतवार की रात पेश की गई, रात भर खिताब और मंजूरी का अमल जारी रहा। सुबह 5 बजे तरमीम मंजूर की गई। नवाज शरीफ, वजीर अजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपनी नशस्त से उठकर मौलाना फजल रहमान से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब से भी मुसाफा किया। इजलास से पहले हुक्मरान इत्तेहाद और PTI की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास हुए। पार्लियामेंट हाउस में PTI के वक्त ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। आईनी तरमीम के मुताबिक अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वजीर आजम को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। वजीर आजम सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहदे की मुदत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए जुडिशियल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी तरमीम में 1 जनवरी 2028 तक सूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की भी शिक मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सेनेट में आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमती वोटों की तादाद 58 रही। JUI के 5 और BNP मेंगल के 2 अरकान ने वोट दिया, तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं दिया। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। तकरर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 8 अरकान कौमी असेंबली, 4 सेनेट से होंगे। आर्टिकल 183(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। पार्लियामेंट में पेश 26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा मंजरियाम पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस का तकरर कमीशन करेगा जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटर्नी जनरल, कौमी असम्बली और सेनेट के 2-2 नुमाइंदे और 15 साल तजर्बे का हामिल बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी तरमीम के मुताबिक वजीर आजम या काबीना की जानब से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकरर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। जुडिशियल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अस खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आईन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा।
आर्टिकल 215 में तरमीम की भी मंजूरी, जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ओहदे के मियाद पूरी होने पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के आने तक बरकरार रहेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायजी सा मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। चीफ जस्टिस से 6 माह में 3 मुलाकातें की। उन्होंने हमेशा कहा कि वो किसी तौसीफ में दिलचस्पी नहीं रखते। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि उन्हें कोई नाग नजर नहीं आ रहा, मौलाना तो हमारे साथ हैं, बेहतर होता पीटीआई पार्लियामेंट में अपनी सिफारिशात लेकर आती। सेनेटर एमल वली खान ने कहा पीटीआई वाले कहते हैं कि रोज़े अव्वल से फैसला कर लिया था कि अब इस बिल में हिस्सा नहीं बनेंगे, हमने 26 निकात पर इतफाक किया था, 22 निकात आ रहे हैं, जेयूआई की वजह से 4 निकात हटाए गए, लाएं वो निकात, मैं सपोर्ट करूंगा। सेनेटर फैसल सबजवारी ने कहा कि आईनी तरमीम के मुसविदे पर खासी अरके रेजी की गई है, हमने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बली की तरह बल्दियाती इंतखाबात भी हों, फाल बल्दियाती हुकूमतें होनी चाहिए। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथियों से कहूंगा कि मुल्क की बका के लिए हमारा साथ दें। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा आईनी तरमीम जुल्म करके लोगों को अगवा किया जाए तो ये कौन सी तरमीम है। सेनेटर फैसल वाफ्टा ने कहा है कि ये तरमीम आखिरी नहीं, तरमीम पर तरमीम होती रहेगी, जैसे मुश्किलात आएंगी आगे बढ़ते रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने तरमीम का नहीं शिकों का साथ दिया, बानी पीटीआई को यहां तक पहुंचाने वालों की निशानदेही करता रहा हूं। बानी पीटीआई बुलाएंगे तो उनसे मिलूंगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर बीएनपी के 2 अराकीन वोट ना भी देते तो तरमीम हो जाती, बीएनपी के दोनों अराकीन अपनी मर्जी से आए। वफाकी वजीर इत्तला अताउल्लाह तारर ने कहा तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया था सेनेटर जरका को अगवा किया गया, रिश्वत दी गई, उनके बेटे को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया। सवाल तो बनता है कि अगर सेनेटर जरका अगवा थी तो फिर अगवाकार उनको सेनेट में क्यों नहीं लाए। एमकेएम के रहनुमा फारूक सुल्तान ने कौमी असेंबली के इजलास के खिताब में कहा कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए आईनी तरमीम का साथ दे रहे हैं, तरमीम पास होने के बाद अवामी मसाइल हल करने में कोई बहाना नहीं होगा, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हुकूमत को मौसर बनाया जाए, वसाइल भी दिए जाएँ, मकामी और शहरी हुकूमत का निज़ाम ही जमहूरीत को मुस्तहकम बना सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद, कहा अदालती असलाहत से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का तेज़ रफ्तार हल यकीनी हो गया है, हर एक रुकन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, तरमीम की मंजूरी के लिए तमाम जमातों ने अहम किरदार अदा किया, साबित हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। 26वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी पर रद्दअमल देते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि सेनेट में पीडीएम जमातों के इत्तेहाद ने काले नाक के नहीं अदलिया के दांत निकाल दिए हैं। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मसला भी हल हो गया, कानून पास हो गया, मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत, कहा कोशिश है कि मुल्क में यकजहती और अच्छा सियासी माहौल तश्कील दिया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना, वज़ीर ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और तुर्की के हम मनसब कायदीन से मुलाकातें करेंगे, अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के आला हुकाम से भी मिलेंगे, सरमायाकारी फोरम और सेमिनार से खिताब और मुल्क के मुआशी मंजरनामे को वाज़ह करेंगे, मुंतखब बैन अल-अक़वामी और अमरीकी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। कनकोट के कच्चे के इलाके में जागीरानी बिरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, 5 अफराद जहां बहक और 3 जख्मी हो गए, पुलिस के मुताबिक वाकया मामूली तनाजे के बायस पेश आया, तफ्तीश जारी। पिशावर, नशहरा, चारसद्दा, स्वाबी, कोहार, टीआई खान, टांक, मनसेहरा, स्वात, शांगला, बुनेर, लेर, दीर, बाजोर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 अज़ला में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की खाली नशस्तों पर गैर हतमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक ज़्यादातर नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहीं। पोलिंग के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहा।
गजा में इसराइली फौज के हमले में 91 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैत लाहिया में शहदा की तादाद 87 हो गई। जबालिया में हमास और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। जबालिया में इसराइली फौज के आला अफसर की हलाकत की तस्दीक। एहसान दक्सा 401 आर्म ब्रिगेड का कमांडर था। तोलकरम और नाबलस में इसराइली आबादकारों के हमले में एक फलस्तीनी जख्मी। लबनान ने इसराइली फौज की कार पर बमबारी की। 3 लबनानी फौजी शहीद हो गए। हिजबुल्ला की जानिब से इसराइल पर 160 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फौज के 3 अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान पर मुमकिन इसराइली हमले के खुफिया दस्तावेजात लीक होने का मामला। अमरीका ने दस्तावेजात लीक होने की तहकीकात का आगाज कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक इसराइल ईरान पर हमले के लिए फौजी असासों की मुंतकली कर रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर ने दस्तावेज लीक होने की तहकीकात की तस्दीक की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज के फैसला कुन टेस्ट के लिए पिंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी। पिच को सुखाने के लिए पंखे और हीटर्स का इस्तेमाल। दिन के औकात में पिच पर कवर्स भी नहीं डाले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से रावलपिंडी में ट्रेनिंग शुरू करेगी। इंग्लिश टीम मजीद एक दिन आराम के बाद मंगल से प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट जमेरात से शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज का फैसला कुन टेस्ट भी बराह रास्त नशर करेगा। न्यूजीलैंड की भारत में 36 साल बाद टेस्ट मैच में फतह। बेंगलुरु टेस्ट में कीवी टीम ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के रिचर्ड रविंद्रा शानदार बैटिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। न्यूजीलैंड ने आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। पहली मरतबा टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली न्यूजीलैंड ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका वुमेन को 32 रन से हराया। 159 रन के ताकत में जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम 9 विकेट पर 126 रन ही बना सकी। लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ट्रायल्स। पहले रोज बड़ी तादाद में नौजवान ट्रायल्स देने पहुंचे। शाहीन आफरीदी कहते हैं वो जब भी ट्रायल्स पर गए कभी स्कॉलरशिप का नहीं सुना। फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने कहा जिस फ्रेंचाइज के लिए ट्रायल्स देने आए थे आज उस फ्रेंचाइज के लिए ट्रायल्स ले रहे हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले गुड़िया का घर पेश किया गया। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।